हेलो गाइस, आज मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ। दिखाती हूँ क्या, आज मैं ये सोयाबीन चंक्स का मोमो बनाने वाली हूँ। आगे का रेसिपी दिखाती हूँ। पहले ये सोयाबीन चंक्स को मैं बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद उसको मैं ग्राइंडर में थोड़ा सा मतलब दरदरा करके थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने मसाला वगैरह उसमें डाला है, फिर आगे का दिखाती हूँ। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, देखिए इसका टेक्स्चर। इसको बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा सा धो के अब ऐसे करके पानी मतलब निचोड़ के ठीक है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। फिर इसको मैं ग्राइंड करूँगी। अब मैं इसको ब्राउन होने तक चलाते रहूँगी। अब यहाँ पर मैं मैदे का लोई बनाकर छोटा छोटा मतलब पूरी बनाकर ठीक है इसमें मिक्सचर को डालूंगी और फोल्डिंग करूंगी। मुझे इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन बनाने नहीं आते हैं, बट मैंने ट्राई किया ऐसे फोल्डिंग करके।